सभी स्टूडेंट्स को मेरा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जिस टाइम भी आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम का नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम बात करेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, उसको बताएंगे क्या होता है। देखिये ध्यान से देखिए, अगर आप तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फुल फॉर्म होता है उसको कहा जाता है ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, ये इसका फुल फॉर्म है। ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? देखिए ट्राइगोन का मतलब है ट्राइंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी हम यहां पर ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। अब ट्राइंगल का मेजरमेंट मतलब, अब आप जानते हैं कि ट्राइंगल में भैया दो चीजें, तीन, छह चीजें होती हैं, तीन एंगल्स होते हैं और तीन साइड्स होती हैं, तो उन्हीं छह चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है, मतलब केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड है, इसके बारे में बात करेंगे हम केवल। अब चूंकि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत कुछ आप 9th और 10th में शायद आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वही 10th से इसको उठाएंगे, जरा समझिएगा। सबसे पहले यहां पर आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ठीक है? देखिए जरा राइटिंग गड़बड़ है, उसको एडजस्ट करिएगा। देखिए अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लें, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब सही एंगल, राइट होने सही होता है नहीं, राइट का मतलब 90 डिग्री, इसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री हो, कम से कम एग्जैक्ट 90 डिग्री हो और रेस्ट कुछ भी हो सकते हैं, सिंपल बात है, क्यूट होंगे। और एबीसी, तो इसमें तीन साइड्स होती हैं, एक साइड का नाम होता है हाइपोटेन्यूज। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, 90 डिग्री के सामने की साइड्स हमेशा हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, जिसको कि हिंदी में कर्ण कहते हैं। अब दो और साइड बची, परपेंडिकुलर और बेस, उनके नाम अलग अलग हैं। देखो ध्यान से, जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे, जैसे हम इस एंगल को ले रहे हैं, तो इसके सामने की जो साइड्स होगी उसको कहेंगे परपेंडिकुलर, और इसका जो बची हुई साइड है वो बेचारी, बेचारी मतलब जिसका नाम कोई नहीं है, बाद में जब नंबर आएगा तो बेचारी उसका नाम दे दिया गया बेस। मतलब जिस एंगल को हम ले रहे हैं, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर और तीसरी साइड होती है बेस। अब रेशियो का मतलब जानते हैं आप, दो साइड्स के बीच रेशियो, तो अब वो पी और एच के बीच हो सकता है, पी और बी के बीच हो सकता है, बी और पी के बीच हो सकता है। तो इन रेशियो को दिया और हमने उसके नाम दिए, सबसे पहला हमने दिया साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच, ठीक है। दूसरा है कॉस थीटा, कोसाइन कहते हैं पूरा नाम इसका है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब जब पी और एच को किया उसका एक नाम दे दिया साइन, जब बी और एच को किया तो उसका नाम दे दिया हमने कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा हमने लिया टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। मेन ये तीन होते हैं। अब सिंपल सी बात है, इनको आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, भाई अगर आप पी अपान एच कर रहे हैं तो इसका उल्टा भी हो सकता है, एच अपान पी भी हो सकता है, तो अगर इसको उल्टा कर दे तो इसके नाम चेंज हो जाए। चौथा है कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है, जो टेन की वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल होता है, एक सेकंड जरा, कॉट थीटा जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसमें जो बी अपान पी करेंगे तो कॉट थीटा आएगा। अब सिंपल सी बात है कि अगर टेन का उल्टा कॉट है तो कॉट का उल्टा टेन होगा, यानी कि टेन को हम वन अपान कॉट थीटा कर सकते हैं और कॉट को वन अपान टेन थीटा कर सकते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट है सेक थीटा, जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस क्या होता है बी अपान एच, तो सेक हो जाएगा एच अपान बी, चूंकि सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस किसका उल्टा होगा सेक का, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं वन अपान सेक थीटा और सेक को लिख सकते हैं वन अपान कॉस थीटा,
और अगला होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा होता है, साइन होता है पी अपान एच, ये होगा एच अपान पी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर साइन का उल्टा कॉसेक है वन अपान कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का उल्टा साइन होगा। ये तो छह ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, मेन तीन है साइन कॉस टैन, और तीन जो बचे हुए हैं उनके रेसिप्रोकल है। लेकिन साइड को डिसाइडिंग फैक्टर जो होते हैं ना उनको ध्यान से समझ लीजिएगा। साइड डिसाइडिंग फैक्टर है इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने के साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं इस थीटा को मान रहा हूं तो इसके सामने परपेंडिकुलर तीसरी बची हुई साइड बेस होगी। अगर मैं इसकी बात करता, मैं इस एंगल की बात करूं अल्फा की, तो इसके सामने के साइड परपेंडिकुलर तीसरी बची हुई साइड बेस होगी, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जो थीटा हम ले रहे हैं यहां पर थीटा जो है वो एक्यूट हम ले रहे हैं, एक्यूट बोले तो जिसकी वैल्यू 0 से 90 के बीच में होती है, नॉट 90 एग्जैक्ट 90 डिग्री विल बी राइट एंगल। तो दिस इज द सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। इनको याद कैसे किया जाए, तो एक होता है हमको याद, इसे हम पे हमको याद है, तो आप कहेंगे अच्छा बेटा आपको याद ही होंगे, आप मास्टर हो। और तब की बात करिए जब हमको याद करने पड़े होंगे, तब तो बहुत सारे डंडे खाए होंगे हमने। तो इसका शॉर्ट का तरीका होता है, देखो ध्यान से, मेन ये तीन होते हैं याद करिएगा। तो इसके लिए लिख दीजिए, इसका फुल फॉर्म याद करने के लिए करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब आप अपने हिसाब से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करिए, आप जो भी उसका फुल फॉर्म चाहे बना सकते हैं। और यहां लिखेंगे एस सी टी, एस बोले तो साइन पी अपान एच, सी बोले तो कॉस बी अपान एच, टी बोले तो टेन पी अपान बी। तो यह याद करने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये छह ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है जिनको हमने ऑलरेडी क्लास 10th लेवल में पढ़ रखा है, ठीक है। अच्छा, अब इनमें कुछ रिलेशन होते हैं तो उन्हें कहते हैं आइडेंटिटीज। तो नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, हमने प्रूफ नहीं करा रहे, प्रूफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 10th लेवल, इसलिए हम प्रूफ नहीं बता रहे हैं। देखिए, लेकिन मैं बताया दे रहा हूं, कुछ प्रूफ बताया दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है इसलिए इसमें हम सब कुछ बताए गए जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। जरा समझिएगा, इस डायग्राम को दिमाग में रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल को, एक एच है एक पी है एक बी है, ठीक है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। अब क्वेश्चन ये उठता है, भैया मेरी राइटिंग का गलती है कि जो मैं बोल रहा हूं वही लिख रहा हूं, मान लीजिए आप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, एक वर्ड आता है आइडेंटिटी और एक वर्ड आता है इक्वेशन। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भैया आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर है, जरा सावधान। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसमें इक्वल टू लिखा है, तो ये आइडेंटिटी है या इक्वेशन है, सर्वसमिका है या समीकरण है। देखो ध्यान से, मैंने कहा भैया इसमें x की वैल्यू 1 रखो, लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया आपने, तो 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, 1 माइनस टू प्लस 1, 2 माइनस 2 0, यही राइट हैंड साइड आ रहा। तो आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे कि द वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अच्छा, अब मैं x को 2 रखता हूं, तो 2 टू आर 4 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इक्वेशन है। क्यों, इक्वेशन जो होता है ना वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होता है, 1 के लिए सेटिस्फाइड है लेकिन 2 के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये इक्वेशन है। आइडेंटिटी जो होती है ना वो सबके लिए सेटिस्फाइड होती है, सबके लिए होती है सेम। जैसे ये तो इक्वेशन हो गई, अगर की तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, तो आप कहेंगे इक्वेशन इज सेटिस्फाइड फॉर सम वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल एंड आइडेंटिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल द वैल्यूज। जैसे मैं आपसे कहूं कि वी आर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इक्वल टू लगा है, जहां पर इक्वल लगा होता है उसको इक्वेशन कहते हैं।
जहां पर लेस देन लगा होता है, ग्रेटर लगा होता है, लेस आर इक्वल टू होता है, इसको इन इक्वेशन कहते हैं। अपने इन इक्वलिटी पड़ी होगी, आईसीएसई बोर्ड में चलती थी। तो हमने कहा भाई ये इक्वेशन है या आइडेंटिटी, इक्वेशन तो है ही बिकॉज इक्वल साइन इज देयर, तो नाम तो इसका इक्वेशन है, लेकिन इसे आइडेंटिटी कहेंगे या इक्वेशन कहेंगे। देखो भाई इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, देखने से लग रहा है ये इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन तो है ही, ये आइडेंटिटी है। कैसे, आप एक्स की वैल्यू कोई भी रख दो, कुछ भी ले लो, जैसे मैंने एक्स को वन रख दिया, तो अगर वन आप लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो वन प्लस वन टू, टू स्क्वायर फोर, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, फोर, और अगर राइट हैंड साइड में रखोगे वो भी फोर ही आएगी। यानी आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये जो इक्वेशन है ना ये सब वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगा, मतलब कोई भी वैल्यू रखेंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखें चाहे राइट हैंड साइड में रखें, वैल्यू विल बी द सेम। तो दिस इज आइडेंटिटी। तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, तो यू कैन से इक्वेशन आर सेटिस्फाइड फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज एंड आइडेंटिटीज आर सेटिस्फाइड फॉर ऑल द वैल्यूज, हर वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई होता है। ठीक है, अच्छा अब बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। अभी जो एक मिनट पहले, दो मिनट पहले हमने डायग्राम बनाया है उसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, देखो बना देते हैं। मैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, चलो ऐसे बना देता हूं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, आपने तो उल्टा बना दिया, इट इज उल्टा राइट एंगल ट्रायंगल। अरे उल्टा सीधा नहीं होता भाई, ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल के बारे में हम बात करेंगे, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल थीटा, तो इसके सामने परपेंडिकुलर तीसरा बेस, मैं यहां एबीसी नहीं ले रहा हूं। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी है भाई, पाइथागोरस थ्योरम, वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो आपने ये फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है और प्रूव भी किया है 10th लेवल में। तो आप ऐसा करिए, इस इक्वेशन को एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई एच स्क्वायर, इसको एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं आप, अगर हम इसको देखें तो दिस वैल्यू विल बी वन, दिस वैल्यू इज पी अपॉन एच टू द होल स्क्वायर, और ये होगा बी अपॉन एच टू द होल स्क्वायर। तो पी अपॉन एच अभी आप पढ़ चुके हैं, पंडित बद्री प्रसाद साहब जो कि हर हर बोल रहे हैं, पी अपॉन एच इज व्हाट, साइन थीटा, बी अपॉन एच इज व्हाट, कॉस थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। देखो स्क्वायर लिखने का तरीका ये होता है कि साइन लिख करके यहां पर स्क्वायर लगाते हैं, थीटा पर स्क्वायर लगा दीजिएगा, मतलब इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, या तो ब्रैकेट लगाओ, यहां स्क्वायर नहीं लगाएंगे। अगर यहां स्क्वायर लगाएंगे इट मीन्स यू आर स्क्वायरिंग द एंगल ओनली, और एन पे स्क्वायर लगाए मतलब यू आर स्क्वायरिंग होल साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये पहली आइडेंटिटी होती है। ठीक है, हाँ इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं आप, कैसे, देखिए आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन, हम चाहें तो इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। हम चाहें कॉस को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये उसकी फॉर्मेट है। और ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटी है ना, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र मतलब जब कोई अस्त्र काम न करे तो ये ब्रह्मास्त्र काम करता है, ये हर जगह फिट होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, डू नोट डाउन दिस। नाउ कम टू द नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट आइडेंटिटी में आप क्या करेंगे, आपने एक बार इसको डिवाइड किया एच स्क्वायर से, अब एक बार इसको डिवाइड कर दो बी स्क्वायर से, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाई बी स्क्वायर, डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर को ले सकते हैं एच अपान बी टू द होल स्क्वायर, इसको पी अपान बी टू द होल स्क्वायर और ये वन हो गया। अब ये ना कहना पी अपान बी टू द होल स्क्वायर, वो भी वन ही होता है। अब देखो फिर पंडित जी को बुलाओ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एस सी टी। देखो यह एच अपान पी, एच अपान बी यानी कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। पी अपान बी, पी अपान बी टेन, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, एक आइडेंटिटी आ गई, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये ना कहना आपने बता लिख रहे हैं तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बोल रहे हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बात वही है, ठीक है। आप चाहे तो वन को इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, या आप चाहे तो टेन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर सकते हैं एंड दिस विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये एक सेकेंड आइडेंटिटी है, ठीक है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप पी स्क्वायर से डिवाइड कर दो, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय पी स्क्वायर, पंडित जी को निकाल लीजिएगा, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ पंडित बद्री प्रसाद। तो डिवाइडिंग बाय पी स्क्वायर, जब पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आएगा एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, ये लिखा है एच अपान पी का होल स्क्वायर, ये तो वन हो जाएगा, ये लिखा बी अपान पी का होल स्क्वायर। अब एच अपान पी यहां पहुंचे, एच अपान पी लग रहा है उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि पी अपान एच साइन होता है, साइन उल्टा कॉसेक होता है, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस बी अपान पी, बी अपान पी देखो पी अपान बी का उल्टा है और पी अपान बी टेन होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी आ गई, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम एक फॉर्मेट इसका चेंज कर सकते हैं कैसे, देखो इस वन को उधर शिफ्ट कर दो तो दिस विल बिकम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, या अब कॉट को उधर शिफ्ट कर दो तो यह आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये तीसरी आइडेंटिटी होगी। तो ये तीन ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज का मतलब होता है थीटा की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी एंगल हो, कोई भी एंगल हो, यहां रखोगे बोथ द साइड विल बी ऑलवेज सेम, मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन बिकम्स आइडेंटिटी। मतलब है ये इक्वेशन लेकिन वो आइडेंटिटी बन जाता है, ठीक। अच्छा तो ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट है जो हमने 10th लेवल में पढ़ा है। एक और चीज है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, अभी हमने कहा कि भाई जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है वो ब्रह्मास्त्र होता है, मतलब हम कोई भी प्रूफ करना चाहेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि पूरा सिस्टम साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो ध्यान से, जरा एक चीज देखिएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपके यस। अगर मैं न्यूमरेटर को एच से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर को भी एच से डिवाइड कर दूं तो मैथमेटिक्स इसकी इजाजत देता है, कहता कर सकते हो आप, कर दिया आपने। तो जब पी अपान एच करेंगे तो पंडित जी क्या कहते हैं, पी अपान एच क्या होता है साइन थीटा और बी अपान एच क्या होता है कॉस थीटा। तो टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, एक ये रिजल्ट है। तो अगर कॉट थीटा लिखे तो कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो जैसे कोई प्रूफ आप कर रहे हैं और प्रूफ में टेन कॉट ये सब दिया हुआ है, तो आप पहले ये करिए कि पूरे सिस्टम को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब साइन को कॉस में मत कन्वर्ट कर दीजिए, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे साइन दिया है लिखा रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, कॉस दिया है लिखा रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, टेन दिया है
तो टैन को लिख दीजिए साइन अपॉन कॉस, कन्वर्ट हो गया। कॉट दिया है तो कॉट को लिख दीजिए कॉस अपॉन साइन, कन्वर्ट हो गया। सेक दिया है तो सेक थीटा को लिख दीजिए वन अपॉन कॉस थीटा। कॉसेक थीटा दिया है तो कॉसेक को लिख दीजिए वन अपॉन साइन थीटा। तो जब पूरा सिस्टम साइन कॉस में आप कन्वर्ट कर देंगे तो आपको अल्टीमेटली जो पहली वाली ब्रह्मास्त्र वाली आइडेंटिटी है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिटी सब याद होनी चाहिए, अप्लाई सब करने की कोशिश करिए। ब्रह्मास्त्र तब इस्तेमाल होता है जब कोई भी अस्त्र काम न करे। अब अस्त्र से आया, एक होता है अस्त्र, एक होता है शस्त्र। अस्त्र और शस्त्र ऐसे ही बता रहा हूं, मैथमेटिक्स में नहीं है। शस्त्र दोनों में अंतर क्या है? देखो शस्त्र वो होता है जो पकड़ के मारा जाता है, ऐसे पकड़ के तलवार है ऐसे से मारो तो वो शस्त्र है, और जो फेंक के मारा जाता है वो अस्त्र होता है। ब्रह्मास्त्र फेंक के मारा जाता है इसलिए उसको अस्त्र कहते हैं। तो अस्त्र फेंक के मारते हैं और शस्त्र पकड़ के मारते हैं। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल जो अस्त्र भी हो और शस्त्र भी हो वो है जूता। अब जूता किसी को पकड़ के मार सकते हो और किसी को फेंक के मार सकते हो, तो अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। खैर वो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नहीं है, ऐसे ही बताएंगे। अब आपने कहीं से क्या बताया गया, ऐसे बताया गया। अब कुछ तो बताना पड़ता है बीच बीच में, चूंकि मैथमेटिक्स से पढ़ते पढ़ते सामने वाला बोर हो गया तो क्या किया जाए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई एंगल्स जो मेजरमेंट आप करते हो तो कैसे एंगल मेजरमेंट करोगे, सभी एंगल्स में साइन कॉस की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, उनको कैसे आप सीखेंगे, ठीक है। अच्छा वो बता देते हैं, एंगल मेजरमेंट बाद बताते हैं, साइन कॉस की वैल्यू सिखा देते हैं आपको निकालना। लेकिन सिखा देते हैं आपको निकालना मतलब ये नहीं है कि आप जब जो सीखेंगे और वही चीज अप्लाई करेंगे एग्जाम में, एग्जाम में आपको याद भी रखना पड़ेगा। देखो बढ़िया सी बात हम बताते हैं, यहां पर आप एक टेबल बना लीजिए, यहां पर एक टेबल बना दिया, ठीक है, बड़ी सी टेबल बनाइएगा। ये जीरो डिग्री, ये जीरो, यहां लिख देते हैं, ये जीरो डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल्स हैं, ठीक है। अब ऐसा करिए यहां पर लिखिए 0, 1, 2, 3, 4। ये याद करने का तरीका, ये कोई मेथड नहीं है, मेथड तो एक फिगर से समझाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप ये करिए कि सबको 4 से डिवाइड करो, डिवाइडिंग बाय 4, इन सबको 4 से डिवाइड करो। तो 0 को 4 से डिवाइड करोगे 0 आएगा, 1 को करोगे तो 1/4 आएगा, 2 को करोगे तो 1/2 आएगा, ये 3/4 आएगा, ये 1 आएगा, कर दिया डिवाइड। अब क्या करिए, अब ऐसा करो इस सबका स्क्वायर रूट निकाल दो, पूरी लाइन खींच दो, सबकी वैल्यू एक साथ बता देते हैं। लेकिन वैल्यू याद करनी पड़ेगी, पहले बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप टेबल बनाना सीखते हैं तो आप हर जगह टेबल बनाएंगे। अब कहीं इंटरव्यू चल रहा है और आपसे पूछ वाइवा चल रहा है, आपसे कहा गया भाई साइन 30 की वैल्यू, रुको रुको रुको, एपी वाजपेयी साहब ने बताया था टेबल बना दे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, याद कर लीजिए। इसके बाद क्या करिए, आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, इसका क्या होगा √3/2, 1/1। यही आपकी सभी साइन थीटा की वैल्यू है, ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की है और साइन 90 डिग्री की है। अच्छा अब आपको कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा, कॉस में क्या करिए, इन वैल्यू को पलट लिख दीजिए, पहले ये लिखिए फिर ये लिखिए फिर ये लिखिए फिर ये लिखिए फिर ये लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये आएगा √3/2, ये आएगा 1/√2, ये आएगा 1/2 0। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, ठीक है। अब आपको टैन चाहिए, तो अभी हम टैन बता चुके हैं, टैन थीटा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो इसको डिवाइड कर दो, 0/1 0 आएगा, इसको इसको डिवाइड करोगे 1/√3, ये 1 आएगा, ये √3 आएगा, 1/0 अनडिफाइंड इनफाइनाइट, ये cos थीटा tan थीटा आ गया। अब sec थीटा cos का उल्टा होता है, तो cos को पलट दो sec मिल जाएगा, sin को पलट दो cosec मिल जाएगा, और tan पलट दो cot मिल जाएगा। तो ये एंगल्स की वैल्यू है, इसको कर लीजिएगा,
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एंगल्स मेजरमेंट की, और उसके बाद एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज की बात करेंगे। ओके, नमस्कार।